12 अगस्त के दिन न्यूयॉर्क के एक इंस्टीट्यूट में सलमान रश्दी लेक्चर देने के लिए गए थे। वहां पर ऑडियंस में से एक बंदे ने उन पर अटैक किया। इस हमले में सलमान क्रिटिकली घायल हो गए। उनको तुरंत ही हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया। तो चलिए इस वीडियो में सलमान रश्दी के कंट्रोवर्सी को डिटेल में डिस्कस करते हैं और ये जान लेते हैं कि हमलावर ने आखिर सलमान रश्दी को ही टारगेट क्यों किया। सबसे पहले सलमान रश्दी का बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश नॉवलिस्ट है। नॉवलिस्ट मतलब उपन्यासकार। इनका जन्म 19 जुलाई 1947 में बॉम्बे में हुआ था। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ है। ये एक नॉवलिस्ट है जो प्राइमरीली ईस्टर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच में जो हिस्टोरिकल माइग्रेशन हुए थे उनके ऊपर लिखते हैं। ये इन नॉवल्स में हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ मैजिकल रियलिज्म और हिस्टोरिकल फिक्शन भी यूज करते हैं। सलमान रश्दी को उनके इस लिटरेचर के लिए कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। उनकी सेकेंड नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन को 1981 में द बेस्ट नॉवल ऑफ ऑल विनर्स मिला है। रश्दी को 1983 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर में फेलोशिप मिली थी। उन्हें 1999 में फ्रांस के द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का कमांडर अपॉइंट किया गया था। सलमान को उनकी लिटरेचर के लिए ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ टू ने नाइट बैचलर का बैच प्रदान किया गया। नाइट बैचलर एक बेसिक रैंक होता है जो उन लोगों को दिया जाता है जिनको हाईएस्ट ब्रिटिश मोनार्क द्वारा नाइट किए जाते हैं। ये बैच कुछ ऐसा दिखता है। इसके अलावा कई सारे और अचीवमेंट्स भी है। नाउ जिस नॉवेल की वजह से ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हुई है वो उनकी फोर्थ बुक है जिसका नाम है द सैटेनिक वर्सेस। ये नॉवल सलमान रश्दी ने 1988 में पब्लिश किया था। इस बुक की वजह से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश पैदा हुआ। लगभग सारे इस्लामिक कंट्रीज में इस बुक के खिलाफ प्रोटेस्ट्स हुए। कई सारे मुस्लिम कंट्रीज में ये नॉवल आज भी बैंड है। इन तमाम मुस्लिम कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया भी है। अकॉर्डिंग टू प्रोटेस्टिंग मुस्लिम्स द सैटेनिक वर्सेस में पैगंबर मोहम्मद के बारे में और उनकी बीवियों के बारे में काफी सारे कॉन्ट्रोवर्शियल इंस्टेंसेस लिखे हुए हैं। इसी कॉन्ट्रोवर्सी के वजह से 1989 में ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमेनी ने ब्लास्फेमी का रीजन देते हुए सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया। ब्लास्फेमी का मतलब ईश निंदा। मुस्लिम कंट्रीज में ब्लास्फेमी को एक संगीन क्राइम माना जाता है। इसी फतवे के अकॉर्डिंग सलमान का कत्ल करने वाले को $3 मिलियन की बाउंटी जारी की थी। उसी के साथ साथ सलमान रश्दी को कई सारे डेथ थ्रेट्स मिलने लगे। इसी के कारण सलमान को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान की थी। 12 अगस्त के दिन न्यूयॉर्क के चौटाकुआ इंस्टीट्यूट में वो एक स्पीच दे रहे थे। इस स्पीच के दौरान ऑडियंस में से एक व्यक्ति दौड़ते हुए स्टेज पर आया और सलमान रश्दी पर चाकू से कई सारे अटैक्स किए। इस अटैक में सलमान की लिवर, एक हाथ और एक आंख में गंभीर चोटें आई। अकॉर्डिंग टू पुलिस सलमान को तुरंत ही हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वो अभी वेंटिलेटर पर है। उनके डॉक्टर ने बताया उनकी हालत क्रिटिकल है। लिवर और एक आंख में अटैक की वजह से डैमेज ज्यादा हुआ है। नाउ ये अटैक जिसने किया उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनिशियल इंक्वायरी में पता चला है कि अटैकर न्यू जर्सी से बिलोंग करता है और उसका नाम हादी मतार है। उसके पास एक बैग मिला जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले। अटैक करने के पीछे क्या मोटिव था वो अभी तक नहीं पता चला, बट उसके सोशल मीडिया अकाउंट से ये पता चल रहा है कि वो शिया एक्सट्रीमिज्म और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की आइडियोलॉजी की तरफ ओरिएंटेड है। एक तरफ दुनिया में ऐसे अटैक की वजह से खौफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ हादी मतार की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग इस हमले को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमें वर्ल्ड वाइड ऐसे कई सारे इवेंट्स देखने को मिले। फ्रांस में चार्ली हेब्डो वाला किस्सा, फिर उसके बाद इंडिया में नुपुर शर्मा और उसके सपोर्टर्स के खिलाफ चलाई गई सरतन से जुदा मूवमेंट और कई सारे और घटनाओं की वजह से ऐसी डिसरप्टिव आइडियोलॉजी का प्रभाव समाज में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।